so guys, up till now, we have learned two major sections of international economics. in the first section, we learned trade and its related theories. and in second section, we learned about the trade policies and how the trade policies are affecting the world and ultimately how countries are interacting with each other by adopting different trade policies. और उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड हम लोगों ने डिफरेंट एंगल से स्टडी किया दैट हाउ ट्रेड इज बेसिकली इंटरलिंकिंग वेरियस कंट्रीज़ एंड हाउ थ्रू ट्रेड कंट्रीज़ आर ग्रोइंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इन लास्ट फ्यू मॉड्यूल्स हम लोगों ने आ, ये भी देखा कि किस तरीके से ट्रेड के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे कुछ कंट्रीज ने ग्रो uh, किया कुछ कंट्रीज़ ने थ्रू ट्रेड एज सच फायदा नहीं उठा सके नो इन द थर्ड मेजर सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स वी आर मूविंग टू वर्ड्स नेशनल इनकम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड देन एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन। इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं प्राइमरीली uh, आज के मेड्यूल के अंदर या इवन कुछ कमिंग uh, मेड्यूल्स के अंदर हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज uh, भी करेंगे अगर मैक्रो इकनॉमिक कोर्स आपने पहले पढ़ा हुआ है एंड देन फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज को हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मेजर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर शामिल होते हैं तो प्रिंसिपल इवन वी स्टार्टेड दिस कोर्स वी डिस्कस दैट हाउ इकनॉमिक इज कंसर्न अबाउट द यूज ऑफ ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ दीज स्केर रिसोर्स कैन बी यूज प्रोडक्टिवली फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेसिफिकली फॉर आ कंट्री तो इकनॉमिक्स का आइडिया यही था कि किस तरीके से रिसोर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए और उसके अंदर जो मेजर टू ब्रांचेज हैं इकनॉमिक्स की दैट वॉज माइक्रो इकनॉमिक्स एंड माइक्रो इकनॉमिक्स अब हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं फ्राम सिंपल माइक्रो ब्रॉडर माइक्रो इकनॉमिक्स टू इंटरनेशनल माइक्रो इकनॉमिक्स प्रिंसिपली माइक्रो इकनॉमिक्स को जब स्टडी किया था अर्लियर uh, जब uh, बिल्कुल इकनॉमिक्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा एट दैट टाइम जस्ट आप कंज्यूमर बिहेवियर को देखते थे देन फर्म बिहेवियर को देखते थे लेकिन पिछले कुछ मेड्यूल्स uh, के अंदर या इवन फ्राम द स्टार्ट ऑफ दिस कोर्स जब हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया तो बेसिकली हम लोगों ने माइक्रो लेवल को बेसिकली डिस्कस किया इंटरनेशनल लेवल पे तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स टू समस्टेंड लर्न कर रहे हैं उसके अंदर प्रिंसिपली वी हैव लर्न दैट किस तरीके से कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो फैक्टर फैक्टरडोमेंट्स हैं उनको यूज़ करके किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें भेजी जाती हैं और वहाँ से जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म के अंदर पैसे मुल्क के अंदर आते हैं और किस तरीके से अपनी ज़रूरियात जो डोमेस्टिकली हम पूरा नहीं कर पाते तो हम इंटरनेशनली इंटरनेशनल लेवल से वो हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ की फॉर्म में मंगवाते हैं सो so, इस केस के अंदर हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रोडक्शन को देखा कॉमोडिटीज़ को ले कर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट ईयरस को ड्रा किया वहाँ पर फिर ओवरऑल uh, कम्पटिटिवनेस uh, देखी हम लोगों ने कॉमोडिटीज़ को ले कर सेक्टर्स की हमने बात की Uh, कुछ लेबर इंटेंसिव की बात की कैपिटल इंटेंसिव की बात की देन इसी तरीके से कंजम्पशन डिसीजन के ऊपर हम लोगों ने uh, जब एक्लेब्रम की फॉर्म के अंदर गए कंट्रीज़ की डिफरेंट थीरीज को जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कहीं पे इंटरसेक्ट करते थे तो उसको हम इक्लेब्रम लेवल का नाम देते थे तो ये चीज़ें हम uh, आल, आल दो देख चुके हैं प्रीवियसली अब नेक्स्ट हम लोग एज़ यू नो दैट के मैक्रो uh, इकोनॉमिक्स की बेस प्रिंसिपली आती माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही है तो अल्टीमेटली अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है uh, कुछ मॉड्यूल्स का यहाँ से ऑनवर्ड जो हम लोग एक बड़ा सेक्शन पढ़ आए हैं इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स का अब हम जाएंगे इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जो प्रिंसिपली डील करता है कि किस तरीके से डिफरेंट uh, कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट uh, करती हैं एंड अल्टीमेटली uh, किस तरीके से उनके डिसीजंस जो हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अफ़ेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की तो हम लोगों ने टू सम एक्सटेंड ये डिस्कस किया कि एक बड़ी इकॉनमी है और एक छोटी इकॉनमी है और किस तरीके से उनकी ट्रेड होती है और कुछ हद तक माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस किया लेकिन यहाँ पे जो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली बेस है किस तरीके से एक नेशन की आइडेंटिफिकेशन uh, होती है या रिकग्निशन होती है एट वर्ल्ड लेवल जैसे आज हम बात करें तो हम लोग कहते हैं जी आपके पास जो वर्ड है uh, ये यूनिपोलर है जो सपोज़ बाईपोलर की फॉर्म में चली जाएगी आगे या इवन कुछ लोग मल्टीपोलर वर्ल्ड की भी बात करते हैं यूनि पोल से है कि सिर्फ़ एक यू से ही है जो डोमिनेट करता है पूरी वर्ल्ड को एंड देन फिर एक जो करेंटली चाइना जो है वो ऊपर आ, आ रहा है एज अ इकोनॉमिक पार तो लोग इस तरीके से यूनिपोलर वर्ल्ड की को अब बायपोलर वर्ल्ड की तरफ आ, देख रहे हैं अब उसके पीछे इन आ, पर्टिकुलर आ, जो आपके पास डिस्कशंस हैं थीरीज हैं या इवन जो आपके पास इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट करता है तो उसके पीछे थीम क्या है या किन बेसिस पे वो आ, कहते हैं कि चाइना जो है दैट इज़ नेक्स्ट सुपर पावर और वर्ल्ड विल बिकम बायपोलर, तो उसके पीछे इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ है आल uh, दो uh, आपके पास पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली तीनों एंगल में चीज़ें देखी जाती हैं एंड देन इसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो uh, इकनॉमिक्स का ही कॉन्सेप्ट है उसकी भी बात होती है तो अल्टीमेटली जो आ, सबसे एक ट्रेडिशनल मैर हमेशा रहा है इनकम का वो वही बेस यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे और इन पर्टिकुलर कुछ मड्यूल्स के अंदर हम लोग नेशनल इनकम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या आ, जिनको आप आम जबान में जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स यू वुड हैव लर्न दैट और जो आपने सुना होगा एटलीस्ट या जी एंड पीस का कॉन्सेप्ट होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स का तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करेंगे एंड देन वी विल सी कि किस तरीके से uh, जो डोमेस्टिक इनकम्स हैं या किस तरीके से एक नेशन जो है वो कनेक्ट uh, करती है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम लोग ओपन इकोनमीज कहते हैं और उसमें हम नेट एक्सपोर्ट्स वाले सेक्टर को भी देंगे देखेंगे इन फ्यूचर इनशा कुछ कमिंग मीड्यूल्स के अंदर अभी आ, जो हमारा आइडिया होगा प्राइमरीली इस पूरे कुछ कमिंग एट टू टेन मीड्यूल्स के अंदर हम लोग आ, एक नेशन की जीडीपी की बात करेंगे एंड देन इसकी कनेक्टिविटी की बात करेंगे थ्रू ट्रेड और किस तरीके से एक नेशन की स्टैंडिंग्स होती हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर उसकी भी डिस्कशन करेंगे इनशाला